नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। बुधवार को IGIMS के कर्मचारी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि कर्मचारियों की बात सुनने के बाद तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही और वहीं IGIMS के निदेशक मनीष मंडल पर कार्रवाई की भी बात कही। हम लोग को यही दिक्कत है कि पैसा नहीं मिला है। कोरोना काल में भी ड्यूटी हम लोग किए हैं, मजदूरी कम दिया, ड्यूटी करते ऊपर में हम लोग को जो वेतन था उस समय मिला। बिहार सरकार ने जो कोरोना काल में जो जितना सरकारी जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी थे सरकारी वालों को जिसको 1,00,000 वेतन है उसको 50,000 मिला, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उसको 10,000 मिल रहा है, उसको 5,000 नहीं मिला सर। हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया। हम लोग किराया के घर में रह रहे हैं, किराया के घर में खाना है, बाल बच्चा है, सब चीज करना है, ये 7,000 रुपया में क्या करेंगे सर। आज 2 महीना हो गया पैसा देना, वेतन देना। बात तो रखी जाएगी और आपका काम हम पूरा तरीके से तन मन हर एक तरीके से हम करने लगा। राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे तरीके से गरीब गुरुआ के लिए शुरू भी से था और अभी भी है, हमेशा रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24 और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।